चुनावी मौसम में भाजपा लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। तमाम नए चेहरों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, तो साथ ही दूसरे दलों के पुराने चेहरों को भी तरजीह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को एक बार फिर कई बड़े चेहरों ने भाजपा की सदस्यता ली। इसमें यूपी के पूर्व कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार और बसपा नेता धर्मवीर चौधरी का नाम शामिल है। यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी विजय कुमार ने अपनी पत्नी अनुपमा के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विजय कुमार, धर्मवीर चौधरी के साथ कई सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के काम करने वाले बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, राज्यसभा के सांसद आदरणीय अमरपाल मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, ज्वाइनिंग कमेटी के पूरे व्यवस्था को देख रहे हैं आदरणीय ब्रज बहादुर जी, मीडिया के पूरे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मनीष दीक्षित जी, आदरणीय हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक आदरणीय विजय कुमार जी, श्रीमती अनुपमा जी जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रही हैं, आज मैं पार्टी मुख्यालय में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाइयां भी देता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मनोज अग्रवाल जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एमएलसी रहे हैं, इनकी पत्नी अभी फर्रुखाबाद से चेयरमैन है नगर पालिका की। नीरज सेंगर जी नगर पंचायत के असोधर के अध्यक्ष हैं फतेहपुर जनपद में। मिथिलेश कुमार मिश्री जी नगर पंचायत दोस्तपुर सुल्तानपुर के निर्दलीय जीते हुए चेयरमैन हैं। ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर जी राष्ट्रीय सचिव सपा से आए हैं। अंबुज शुक्ला जी, सचिन त्रिपाठी जी, संदीप शर्मा जी, उमंग शुक्ला जी, सानू बुंदेला जी, डब्बू तिवारी जी, धर्मेंद्र अवस्थी बबलू जी, पवन सिंह जी, अनिल यादव जी, अमित जायसवाल जी, श्रीमती सालू सुनील कनौजिया जी, श्रीमती अंजुली आदर्श दीक्षित जी, श्रीमती सरोज चड्ढा जी, श्री सुधीर यादव जी, ये सभी हमारे साथी वरिष्ठ नेता अजय कपूर साहब के साथ में कानपुर से चलकर के आए हैं। इन सब लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अजय कपूर जी ने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश का जाना पहचाना नाम है। आपको बता दें कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार बीती 31 जनवरी को यूपी के कार्यवाहक डीजीपी के पद से रिटायर हुए हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अभी 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं और चर्चा है कि भाजपा मछली शहर या कौशाम्बी से उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।